नमस्कार दगड़ियों, सामान्य सेवा स्वामी। दगड़ियों, आजकल हम गढ़वाली मातृभाषा आंदोलन चलाना छिन, जिक मुख्य मकसद छो कि गढ़वाली मूल के लोग देश दुनिया में जग बुछिन, राज्य खुशी रहा, भले सुंदर रहा। और अंग्रेजी जगह पर अंग्रेजी बोला, हिंदी जगह पर हिंदी बोला, पर अपनी गढ़वाली मातृभाषा जरूर बोला, बच्चों तभी सिखावा, अपना आप भी बोला। आजकल हम ये संबंध में ओखाणों की श्रृंखला छिन चलाना, तो आज हम एक और ओखाण ले गए छिन। ये ओखाण बोन से पहले हम एक पृष्ठभूमि में बारे में बात करला कि कई पृष्ठभूमि पर के पृष्ठभूमि ओखाण बोलें छो। दौड़े क्यों होन छो कि जब कई बार घर गाँव में देश बाजार में क्यों होनू जिन द्वि भे छिन या द्वि परिवार छिन या चचा बड़ो छिन, कई में कोई बड़ी उपलब्धि छी, सो ते बारे में कुछ नहीं बनो, लेकिन तो घर वाला ते को अकड़ पछिन, चाहे वो संपत्ति ची, चाहे ज्ञान ची, चाहे शिक्षा ची, चाहे गाड़ी घोड़ा ची, है ना। तो तब के बोचा कि जो बड़ो ची या जो बड़ा भय छिन से ते को विशेष लाभ नहीं रहना ते उपलब्धि हो, लेकिन जो तो छोटो भूला छिन या चचा बड़ा छिन से ते को खूब अकड़ में छिन, ते क्योंकि मेरे भय यन कनु, मेरे चचा यन कनु, मेरे तव यन कनु, या मेरे जिया जी यन करी, मेरे शाला यन करी, जबकि शालो से कोई मतलब नहीं। जब मतलब उपलब्धि के और रोनी, लेकिन कोई और वे एक आधार पर वही उपलब्धि जो ना अकड़ दिखन या रौब जमंद, तब ये परिस्थिति में ये ओखाण बोलें छी। ये ओखाण मैंने पहली बार सुनी, हमारा गांव का बेटा राम छिन, रिश्ता में से हमारा बेटा लगा था, लेकिन हमसे बड़ा छिन सी श्री महावीर सिंह नेगी जी। तो तेन छुई बात सैलाना घर में गर्मी छुट्टी में, तन में यूँ तो किचन कुछ तन मैंने गप सब छे लगने, तो यूँ ओखाण अक्सर छुट्टी तो किचन ये ओखाण छुट्टी तबार मैं तो अच्छी लगी, तो मैंने ये वीडियो बनाई, तो नौ सौ वीडियो बनो महावीर सिंह नेगी तो की चपटी ने ओखाण छुट्टी कि बोलो कि जब ये परिस्थिति जो मैंने बताया आप परिस्थिति में बोलो भेज कराचिन बाखरा, भेज कराचिन बाखरा, अब भूल कराचिन नाखरा, भेज कराचिन बाखरा, भूल कराचिन नाखरा, मतलब बकरियाँ किसी और की हैं, लेकिन उन बकरियों की अकड़ किसी और ने पाल रखी कि हमारी तो इतनी बकरियाँ हैं और हम नहीं देंगे उनको या देंगे, और जिसकी वास्तव में बकरियाँ वो कुछ नहीं बोलो, वो सामान्य है। मतलब बकरियाँ तो इसका एक उदाहरण है, लेकिन और चीज़ें भी जिसके पास जो चीज़ें हैं वो उसके धौंस नहीं जमा रहा, उसकी अकड़ नहीं दिखा रहा, उस पर गौरव नहीं करा, लेकिन अन्य लोग जो हैं परिवार के उस परिस्थिति का, उस उपलब्धियों का जब अनावश्यक बखान करते हैं, अनावश्यक अकड़ दिखाते हैं, अनावश्यक रौब जमाते हैं, तो इस परिस्थिति में ये गढ़वाली ओखाण बोली जाती है कि भेज कर राशिन बाखरा और भूल कर राशिन नाखरा, भेज कर राशिन बाखरा, भूल कर राशिन नाखरा। तो धन्यवाद भाई बहनों, फिर मिलला एक और ओखाण।